योगी सरकार रोहिंग्या कड़ा कार्यानुष्ठान साठ अधिक रोहिंग्या गिरफ्त कला यूपीएटीएस स्थानीय मुसलमान माने ही देखिले शरण उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी स्क्वाड बा एटीएस रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान आरंभ कर यूपीएटीएस एकटा समय राज्य अनेक जिला रेड कर बेआईन भाव बसवास कर ऊर्ध रोहिंग्या गिरफ्त कर रोहिंग्या पशु कटा जा फैक्ट्री में चाकरी दि जाऊ सोमवार आरंभ होता यूपीएटीएस कार्यानुष्ठान जारी रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अनुप्रवेशकारी नहीं खूब कठोर आभिमुख्य अपणाइं जातीय गणमाध्यम प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार सोमवार भोर पांचटू यूपीएटीएस भिन्न भिन्न टीम गोटे समय राज्य अलग अलग जिले में रेड कर जिला मथुरा अलीगढ़ ओहापुर जिला सामिल रही मिलता सूचना अनुसार यह जिला रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी रोकवा नहीं एटीएस को सूचना मिलता एक सूचना आधार में यूपीएटीएस कार्यानुष्ठान धरा पड़ा रोहिंग्या केवल पुरुष ही नहांती बर महिला माने मध्य सामिल थिबा जना पड़ी एही रोहिंग्या मानकु स्थानीय लोक माने शरण देथिबा जना पड़ी किछि मांस कटा स्थान रे लोक माने तांकु काम देथिले धरा पड़ीथिबा ई संदिग्ध मानकु यूपीएटीएस पक्षरु पचरा उचरा जारी रहिछि समानक विरोध रे मामला रुजु करा जाउछि ए रोहिंग्या माने केबे भारत रे अनुप्रवेश करथिले ओ एही काम रे तांकु के सहायता करथिला से विषय सूचना हासिल करने को यूपीएटीएस प्रयास करण दे स्थानीय मुसलमान मान कागजपत्र यूपीएटीएस जांच कर उल्लेख करे गत एप्रिल मासरे उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पुलिस को रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी बेआईन भाव रोकवा नहीं सूचना मिलता यहपर मुरादाबाद पुलिस 14 जन रोहिंग्या गिरफ्त करता एमं फातिमा नामक एक महिला सहित तार तीनी झियो मध्ये सामिल थिले सेमाने बांग्लादेश रास्ता रे भारत रे प्रवेश करथिले फातिमा निसार नामक व्यक्ति को निकाह करथिला निसार को मध्ये गिरफ्त करा जायछि से स्वीकार करथिला जे फातिमा भारतीय नागरिक होइनथिबा ओ बेआइन भाबे भारत रे अनुप्रवेश करथिबा संपर्क रे से जानिछि एही परिवार को मध्ये एक मीट फैक्ट्री मालिक चाकरी देथिला ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। Thank you.